चलो शुरू। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट, y इक्वल्स टू सो एंड सो। तो फर्स्ट लेट मी डू द कमांड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, आफ्टर गिविंग कमांड आपको पहले लिखना पड़ेगा d अपॉन dx ऑफ y एंड d अपॉन dx अंदर नहीं जा सकता बिकॉज ब्रैकेट है एंड ब्रैकेट रेज टू व्हाट 5 है। ओके, तो ये रूट है अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे जिज्ञासा को बोलना है, जिज्ञासा द दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल लुक्स लाइक विच फॉर्मूला, तो यू विल से x रेज टू 5, मतलब इट लुक्स लाइक x रेज टू n। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n? n इनटू x रेज टू n माइनस 1। पहले हमेशा बाहर से अटैक करना, बाहर का देखना लुक, हाउ इट लुक्स लाइक दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, तो इसका फॉर्मूला होगा डेरिवेटिव निकालने के बाद दैट 5 विल जंप, ब्रैकेट विल ओपन एंड 5 का क्या हो जाएगा 4। तो ब्रैकेट के अंदर एज इट इज लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5। ओके, ये हो गया आपका बेसिक। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो x के जगह पे है दिस पर्टिकुलर टर्म इज व्हाट इन प्लेस ऑफ x, तो उसको वापस डेरिवेटिव निकालना है, विच इज दैट टर्म इनसाइड वाला ब्रैकेट, तो विच इज व्हाट रूट ऑफ, बराबर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अभी मुझे इसके बाद बताना कैसे करना है। ठीक है, तो पहले इसको एज इट इज लिखूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 द होल रेज टू 4। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले, डेरिवेटिव को अंदर भेजेंगे। ओके, अभी कुछ पावर नहीं है, पावर नहीं है तो डेरिवेटिव इज रेडी टू गो इनसाइड। डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, पहला वाला टर्म क्या है 3x माइनस 5, बरोबर डेरिवेटिव और एक बार अंदर जाएगा d by dx। अभी इसका डेरिवेटिव मुझे नहीं पता, बरोबर, तो अभी इसको मैं कैसे करने वाला हूं पता है, हियर ओनली आई विल, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है रेज टू हाफ, रूट का मतलब क्या होता है रेज टू हाफ, और रेज टू हाफ ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 रेज टू माइनस हाफ। ये याद रखना, अगर कोई भी, मैंने कल बताया था, क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, 5/3 हो, वो हमेशा ऊपर शिफ्ट करना, ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये याद रखना। होप सो यू अंडरस्टूड। यहाँ पे मैंने क्या किया वापस बताता हूँ, देयर इज अ रूट वाला टर्म, रूट वाले टर्म को मैंने लिखा रेज टू हाफ, और रेज टू हाफ ऊपर जाके क्या हुआ रेज टू माइनस हाफ। होप सो यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ रेडी टू डेरिवेटिव, ऑल ऑफ यू कॉन्सेप्ट कैसे करता हूँ देखो, 5 ब्रैकेट ओपन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन, ये तो सेम टू सेम हमें लिखना पड़ेगा रेज टू 4। हाँ, अभी हम लोग रेडी है डेरिवेटिव के लिए। अभी जिज्ञासा को मुझे बोलना है दिस पर्टिकुलर फंक्शन लुक्स लाइक, कैन वी सॉल्व बाय राइटिंग 1/2? यस वी कैन डू, ये 1/2 लिख के भी कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग 1/2 भी करके लिख सकते हैं, बट हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, वी हैव द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, इसलिए मैंने कुछ फॉर्मूला स्टैंडर्ड रखे, इसको रेज टू हाफ करके भी सेम ही आंसर आएगा। व्हाट इज डेरिवेटिव रूट एक्स, डेरिवेटिव रूट एक्स इज व्हाट 1/2 √x, वो करके भी सेम ही आएगा, सेम आएगा, कुछ टेंशन मत लो, तो वो सिर्फ ऐसे रेज टू में आएगा, ये मैं रूट में लिख रहा हूँ। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, 1/2 √3x - 5, अगेन डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला टर्म, तो जितना सा x के जगह पे अंदर वाला टर्म क्या है 3x - 5, ये याद रखना। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसका 3x - 5 रेज टू -1/2 - 1 अपॉन -1/2 - 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x - 5, ये याद रखना। ओके, समझा, दिस इज सेम एज अगेन x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने गड़बड़ किया, मैंने वो माइनस हाफ को नीचे लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा -1/2 भी आएगा नीचे, आई फॉरगॉट टू राइट डाउन, छोटी मिस्टेक होगी, देखो -1/2 भी नीचे आ जाएगा। ओके, नाउ लेट मी सिंप्लीफाई, जैसे लेंदी लेंदी सम होंगे ना उतना थोड़ी अपनी जगह हो जाए। चलो लेट मी सिंप्लीफाई द न्यूमेरिकल, फाइनल आंसर लेट मी राइट डाउन, 5 अंडर रूट ऑफ 3x - 5 1/√3x - 5 raised to 4। ठीक है, हाँ, अभी यहाँ पे देखो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3 बचेगा, 5 का डेरिवेटिव 0 तो बचा 3, यहाँ पे 3 अपॉन क्या आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
बरोबर। तो और यहाँ पे आएगा 3x माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2, माइनस ऑफ माइनस 1 ऑफ माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। एंड देयर ऑफ 3x कितना होगा 3, एंड देयर ऑफ 5 0। दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। अभी मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, सिंपलीफाई करूंगा तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिस 3 3 गेट कैंसल, दिस 2 विल जंप इन न्यूमरेटर। तो व्हाट्स द फाइनल आंसर, 5 अंडर रूट ऑफ। मैथमेटिक्स को कभी भूलना मत छोड़ो, मैथ्स को कभी भूलना मत, बेसिक सिंपल स्टेप्स। तो 3 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दिस 2 विल कम इन न्यूमरेटर, बराबर। तो 2 ऊपर जाने के बाद आइदर यू कीप दिस नेगेटिव पावर और मैं इसको नीचे लेके आके रेस टू 3/2 भी लिख सकता हूँ। दैट इज व्हाट योर फाइनल आंसर। होप सो यू अंडरस्टूड द न्यूमेरिकल, प्लीज कॉपी।